राधे राधे और सुबह की नमस्ते दोस्तों। अभी समय हुआ है सुबह के 5 बजे का। तो रोज़ का जो रूटीन होता है मेरा, सुबह को 5 बजे से और रात के 10-11 बजे तक चलता रहता है। तो मैंने सोचा चलिए आज एक छोटा सा व्लॉग मैं डाल देती हूँ कि दिन भर में मैं किस काम को किस तरीके से करती हूँ और कैसे कैसे उसको हैंडल करती हूँ। टाइम है मेरा 5 बजे उठने का, कभी मैं 4:45 बजे उठ जाती हूँ, कभी 5 बजे, और लास्ट टाइम मेरा 5:30 बजे है। तो जैसे मैं काम का हिसाब देखती हूँ उसी हिसाब से अपने आप को उठा लेती हूँ। मतलब थोड़ा सा आलस तो आता है सुबह को उठने में, लेकिन उठ के पूरा काम कवर हो जाता है। तो जैसे हम सुबह को उठते हैं, उठने के बाद सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना आलस उतारती हूँ, और उसके बाद जो सोने के बाद हमारे कपड़े रहते हैं बेड पे, उनको मैं साथ के साथ ही संभाल देती हूँ ताकि काम एक तरफ से ही निमटता चला जाए। साथ में मैंने यहाँ पर ये बेटी को भी उठा दिया है, और बेटा और जो मेरे हस्बैंड है वो भी उठ चुके हैं। उठने के बाद तुरंत आलस उतारने के लिए मैं सबसे पहले जाती हूँ वॉश बेसन के पास, और वहाँ पर थोड़ा सा कुल्ला करती हूँ, थोड़ा सा ब्रश करती हूँ, थोड़ा सा मुँह धो लेती हूँ, हल्का सा मूड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद शुरू हो जाता है मेरा कम से कम 1.5 घंटे का काम, जो कि झाड़ू और पोछा लगाना होता है। तो उठते के साथ ही सबसे पहले मेरे हाथ में आती है झाड़ू, ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से बाहर तक की सारी सफाई करने के कम से कम 2 घंटे के बाद मेरे घर का हाल कुछ इस तरीके से नज़र आता है। तो जैसे मैं नीचे से निपटा के आ चुकी हूँ, उसके बाद आ गई हूँ ऊपर अपने डेली रूटीन के काम में। और सबसे पहले मैं यहाँ पे साफ़ करती हूँ अपना चूल्हा, हल्की सी जो धूल वगैरह बैठी रहती है तो उसको साफ़ कर देती हूँ और चाय चढ़ा देती हूँ। मशीन में साथ में मैंने कपड़े डाल दिए हैं, बट मैं उन्हें अभी धोऊंगी नहीं, जब लाइट आ जाएगी जब धोऊंगी। तो यहाँ पर हमने अपनी चाय पानी पी ली है, और जो कपड़े हैं वो भी मेरे धुल चुके थे। तो कपड़े मैं थोड़े से वारी सवेरे धोती हूँ, मतलब लेट सवेरे धोती हूँ, तो उस वजह से मैंने जो रस्सियाँ है वो अपनी अंदर ही बांधी हुई है ताकि कपड़े हमारे इधर उधर ना फैले या इधर उधर ना गिरे। उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपनी थोड़ी सी साफ़ सफाई में। तो आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही हूँ, बस वही डेली रूटीन का जो मेरा काम होता है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो डेली रूटीन में ये जो सफाई होती है थोड़ी थोड़ी सी करनी ही होती है, डीपली तो डेली सफाई नहीं होती है, बट जितना हो सकता है, जितना मुझे टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। जैसे बर्तन वगैरह लगाने होते हैं और थोड़ा बहुत जो घर का सामान होता है, डब्बे वगैरह होते हैं, तो ये बस मेरी थोड़ी थोड़ी सी सफाई होती है। तो पूरे घर के अकॉर्डिंग मेरी किचन सबसे ज़्यादा गंदी होती है। एक तो किचन में सबसे ज़्यादा सामान भरा हुआ है, दूसरा सबसे ज़्यादा काम भी मुझे किचन में ही पड़ता रहता है, और तीसरा हमारी किचन अभी तक तैयार नहीं है, इसमें प्लास्टर करके छोड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से रेत निकलता रहता है और जो सामान है उन पर बैठता रहता है, जिसकी वजह से सभी सामान बहुत गंदा हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी तो शेयर नहीं करने जा रही हूँ, बस यही आज आपके साथ शेयर कर रही थी कि मैं अपने काम का रूटीन किस तरीके से हैंडल करती हूँ या मैं किस तरीके से करती हूँ। अब ये थोड़ा बहुत काम करने के बाद मेरा जो रूटीन शुरू हो जाता है वही अपने डेली के काम का। दोपहर का लंच भी बनाना है, रेसिपी भी शूट करनी होती है, एडिट भी करनी होती है, तो काफ़ी सारा काम हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब काम को संभालना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा तो डेली का रूटीन यही होता है काम का। आप अपने काम को किस तरीके से हैंडल करते हो? आज का ये छोटा सा रूटीन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में या फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।